Hi you all, welcome or welcome back to my channel. If you are seeing this face for the very first time, then hi, I'm Kinjal और मैं आ गई हूँ फिर से एक मीशो मॉल के साथ. एंड दिस टाइम जो मैंने फुटवेयर ऑर्डर किए हैं, यू आर गोना फॉल इन लव विद इट. मतलब आई हैव ऑलरेडी फॉलन इन लव, अब आपकी बारी है. मतलब इतने अच्छे फुटवेयर्स आए इस बार, मतलब मैं आपको समझा ही नहीं सकती हूँ. जब आप देखोगे ना और जब आप खुद बुलवाओगे, जब आप खुद पहनोगे, तब आपको समझ में आएगा मैं इतनी हाइप क्यों क्रिएट कर रही हूँ. काफ़ी कुछ बहुत अच्छा और बहुत कंफर्टेबल आए, एंड ट्रस्ट मी यू आर गोना लव इट. वीडियो लास्ट तक देखना, सारे की सारे कोड्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. और अब देर नहीं करते हैं, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आप सबको दिखाने के लिए कि मैंने क्या क्या बुलवाया है. एंड विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इन द वीडियो. तो मैं इस बार मैं शुरुआत कर रही हूँ सबसे कंफर्टेबल और सबसे शीक फुटवेयर से, जो कि है एक ही विच इज, मतलब आई हैवंट वोर दिस इन अ वाइल. मतलब इन अ वाइल क्या, आई हैव नेवर वॉर्न दिस प्रिंट, आई हैव नेवर वॉर्न दिस फुटवेयर इन माई एंटायर लाइफ. सो हियर इट इज. Can you see it? How pretty this is. मतलब leopard print is my always favorite. Like मतलब कभी भी आप मेरे को leopard print पहना दो, I am up for it. और इसको देखो, मतलब look at its heel. मतलब pencil है but यहाँ पर ना thick platform दिया है, so it's not uncomfortable. आप जब इसके you know sole की बात करोगे, यहाँ पर इसका जब आप जहाँ पर आप पैर रखते हो उसकी बात करोगे, this is so 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 freaking comfortable. मतलब आपको मज़ा आ जाएगा ये पहनेंगे. आपको ऐसे मैंने कहा, दिस फुटवेयर इज नो लेसर देन अ लग्जरी. ट्रस्ट मी, इट्स नो लेस देन अ लग्जरी. और ये बहुत 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 ज़्यादा प्यारी लग रही है पहनने पे. एज यू कैन ऑलरेडी सी, मतलब इसकी हील्स आई डोंट नो वट दीज हील्स आर कॉल्ड, वट दिस इज कॉल्ड, बट मैं तो यही बोलूँगी कि इसमें ये जो पेंसिल हील है और नीचे वाइड थिक प्लेटफॉर्म है इसका, ये मेरे को बहुत वेस है, ये मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. और इसके कारण ना ये हील बहुत कम्फर्टेबल हुई है. मतलब इफ़ यू गाइज नो, अगर आपने मेरे पहले की हॉल्स देखी है, सो यू गाइज नो दैट आई डोंट वेयर पेंसिल हील्स. आई एम नॉट अ पर्सन हु वेयर पेंसिल हील्स, या लंबी हील्स भी नहीं पहनती हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी आई एम सो टॉल, सो आई डोंट वेयर लंबी हील्स. बट दिस, आई एम सो इन लव. मतलब ये जब मैंने मीशो पे देखी, इंस्टेंटली इट वॉज लाइक आई वॉन्ट दिस एंड आई गॉट दिस, एंड इट वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन. इतनी अच्छी तो मैंने नहीं एक्सपेक्ट की थी कि इतनी अच्छी आएगी. और प्राइस वाइज तो यू वॉन्ट बिलीव, मतलब यू वॉन्ट बिलीव इसका प्राइस क्या. इसका प्राइस इज जस्ट ₹555. 555 में आपको ये मिल रहा है, आपको क्या चाहिए. और मतलब भाई, अगर आपको 555 में ये मिल रहा है तो, और मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी और इतने अच्छे कम्फर्ट पर मिल रहा है, तो फिर तो भाई ले लो, मत छोड़ो, ट्रस्ट मी ले लो. बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कंफर्टेबल है, और मतलब एकदम मज़े ही आ गए मेरे को तो ये पहन के. सो मेरे रिकमेंडेशन में यू कैन गो फॉर इट. मंगवा के देख लो यार, मंगवाने में क्या जा रहा है, राइट. नहीं पसंद आए तो रिटर्न कर देना, बट सो कंफर्टेबल. और सारी ये फुटवेयर्स में मेरा साइज है UK 6 एंड इंडियन 39. साइज मैंने मेजर करना मेरे जूम वाले वीडियो में बताया है, सो यू कैन चेक इट आउट देयर अगर आपको नई साइज मेजर करना आता है अपना. तो अब आते हैं हमारी नेक्स्ट फुटवेयर पे. तो ना मेरे पास क्या था कि मेरे पास ना हील्स तो बहुत है, लेकिन सब मेरे पास प्लेटफॉर्म हील्स है और थोड़ी कैजुअल साइड में है. मेरे पास कोई भी ऐसी नहीं है जिनको मैं ऐसे एकदम पार्टी में पहन के फ्लॉन्ट कर सकूँ या इंडियन में पहन सकूँ, बस ऐसी कोई हील नहीं. सो फाइनली आई गॉट माई हैंड्स ऑन सो ब्यूटिफुल. दिस इज, मतलब कैन यू सी इट हाउ प्रिटी एंड हाउ ब्यूटिफुल दिस इज. मैं इसमें हील की बात करूँ तो इसमें हील ना सेम वो लास्ट फुटवेयर जैसी थी, वो लेपर्ड प्रिंट वाली, पेंसिल और फिर वाइड. तो इससे क्या होता है ना, आपका बेस बहुत तगड़ा बना रहता है, एकदम बढ़िया, एकदम आपको ऐसा लगता है कि हाँ हम गिरेंगे नहीं. मतलब एटलीस्ट मुझे ये फील हो सकता है ना. तो किसी भी जो भी पेंसिल हील नहीं पहनता है उसको तो ये फील हो ही जाएगा, क्योंकि आई एम
not a person who loves wearing pencil heels. No, not at all. मैं सिर्फ platform heels ही पहनती हूँ, वो भी 2-3 inch की, 2-3 inch की से ज़्यादा नहीं पहनती हूँ मैं. But look at this. मैं क्या बोलूँ, I have no words for this. ये मेरे पैरों पे ना, मैं खुद की तारीफ नहीं करूँगी, बट मुझे ये अपने पैरों पे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई है और मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड आई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज़ अ ड्यूप ऑफ सम लग्जरी ब्रांड. इवन आई डोंट नो व्हाट लग्जरी ब्रांड, बट आई थिंक आई हैव सीन इट समवेयर. अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ये किस ब्रांड का ड्यूप है, किस लग्जरी ब्रांड का ड्यूप है. एंड अगर मैं बात करूँ इसके सोल की, तो कुशनिंग ना देखो यहाँ यहाँ तक की दी हुई है, यहाँ यहाँ तक की कुशनिंग दी हुई है. सी सो ना, इट मेक्स इट मोर कंफर्टेबल आपके पैरों में. ऐसा नहीं लगता है कि आप एकदम हार्ड प्लेटफॉर्म पे अपने पैर रखे हुए हो. नहीं, कुशनिंग से बहुत ज़्यादा पैरों को रिलीफ मिलता है. एंड हील्स में ना कुशनिंग इतनी यूजुअली आती नहीं है जितनी इसमें है, बट आई रियली 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 लाइक दिस. एंड इसका प्राइस, गाइस गेस करो इसका प्राइस क्या है. 580 rupees जस्ट फॉर दिस. अगर आपको ये महंगा लग रहा है ना, तो फिर तो भाई नो नो, यू विल नॉट गेट दिस एनीवेयर, लाइक लिटरली एनीवेयर इतने कम प्राइस पे. सो गो फॉर इट, ट्रस्ट मी. अगर आप पार्टी वेयर हील्स के लिए, इफ यू आर लुकिंग फॉर इट, इसमें न्यूड कलर भी है अगर आपको न्यूड कलर चाहिए. मुझे ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगा. ये दो हील्स जो मैंने आपको फर्स्ट और सेकेंड हील दिखाई है, यू शुड गो फॉर दीज हील्स. ब्लैक अगर यू, इफ यू ब्लैक, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग पार्टी वेयर या ऐसे कुछ की, यू कैन वेयर इट ऑन लाइक लॉन्ग स्लीव ड्रेसेस और शॉर्ट ड्रेसेस. इट्स गोना लुक सो 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 प्रिटी. एंड लेपर्ड प्रिंट, इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग वेरी शीक एंड वेरी स्टाइलिश या कम्फर्टेबल, सो गो फॉर द लेपर्ड वन. एंड अगर आपको नहीं दिल मान रहा है, तो गो फॉर बोथ यार, बहुत ही अच्छी है. ट्रस्ट में, अगर मैं इतना ब्रैग कर रही हूँ, तो मुझे कितनी ज़्यादा पसंद आई है. हमने दो हील्स देख लिए, तो हम बात करते हैं हमारे एक फ्लैट की. ये फ्लैट मैंने एक्चुअली मम्मी के लिए बुलवाई थी, क्योंकि मम्मी ना फ्लैट से रहती, मम्मी को ज़्यादा हील्स वील्स पसंद नहीं आती. सो ये बुलवाई थी मैंने मम्मी के लिए. ये इतनी सुंदर है, इतनी क्यूट सी है, और इतनी, इट्स वेरी सिंपल, सोबर, क्यूट एंड वेरी प्रिटी. और ना अगर आपने नोटिस किया हो, तो मैंने अभी जो दो हील्स दिखाई है, उनके जो ये आगे का है, ये स्क्वायर, ये पता क्या मुझे ये इतना पसंद आता है ना, ये सब स्क्वायर में. तो मेरा ऑलमोस्ट जितना कुछ भी मंगवाया, काफ़ी कुछ स्क्वायर में ही है, एंड ये भी स्क्वायर में. इसमें जैसे आप पैर डालोगे ना, आपको ऐसा लगेगा आप किसी स्मूथ सरफेस में पैर डाल रहे हो. मतलब ये जो मैट सरफेस है ना इसका, ये इतना स्मूथ है, आपको आपके पैरों को इतना अच्छा लगेगा इसमें पैर डालने पे. और जो इसका ये स्ट्रैप है, जो ये है, ये भी इतना सॉफ्ट है. इसमें कोई कुशनिंग नहीं है, मतलब हार्ड है ये स्लिपर, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी ये बहुत कम्फर्टेबल है. मतलब बहुत बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, और प्लस बहुत प्रिटी है ये, बहुत प्रिटी है. मतलब मम्मा को तो एक नज़र में मम्मा को इतनी पसंद आई है, उनके पैरों में बहुत सुंदर लग रही थी ये. सो अगर इफ़ यू आर नॉट अ हील पर्सन, और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग फ्लैट फॉर योर लव वंस, फॉर योर मॉम, योर सिस्टर, योर एनीवन, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. एंड साइज तो मैंने बताई दिया है, सब में मेरा साइज 6 है. एंड लव 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 दिस. इसके प्राइस सुन के ना आपके होश उड़ जाएंगे, सही बता रही हूँ मैं आपको. यू आर सो नॉट रेडी फॉर दिस. दिस इज जस्ट फॉर ₹288. मुझे नहीं मिला आज तक 288 में इतना कंफर्ट, नेवर इन माय लाइफ. तो गो फॉर इट इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी फ्लैट. एंड इसके साथ चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट फुटवेयर पर. आई गेस ये आप सबने देखी ही होगी, अगर मीशो पे नहीं तो इसकी ओरिजिनल साइट पे देखी होगी. और ये फुटवेयर है, सॉरी, दीज आर द फुटवेयर. ये फुटवेयर में क्लियरली आपको इसमें एक डिफेक्ट दिख रहा होगा, ये, हाँ ये यहाँ से मुड़ी हुई आई है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. तो ये ना थोड़ा, ये जो हील्स है, ये थोड़ा ना फॉर्मल साइड पे मैंने बुलवाई थी, कि अगर मैं कुछ फॉर्मल पहनती हूँ, सो लेट्स गो फॉर इट. क्लियरली इसमें तो पेंसिल ही है, लेकिन ना ये इतनी अनकम्फर्टेबल नहीं है जितनी मुझे नॉर्मली पेंसिल हील्स लगती है. आई डोंट नो इफ आई हैव चेंज्ड और आई हैव अडॉप्टेड दिस और आई डोंट नो व्हाटएवर, बट
ये इतनी अनकम्फर्टेबल नहीं है जितनी मुझे यूजुअली लगती है. सो आई थिंक आई कैन वेयर दिस. लेकिन ये जो दूसरी वाली में डिफेक्ट आ गया ना, ये देख के ना थोड़ा मेरा दिमाग सा ख़राब हो गया. बिकॉज फॉर्मल्स में तो आई कैन नॉट कंसिडर ऑल ऑफ दिस. मेरे को एकदम प्लेन एंड क्लीन फुटवेयर या हील जो भी मैं पहन रही हूँ, मुझे एकदम क्लीन चाहिए विद माई फॉर्मल्स. ये फुटवेयर में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बट जस्ट फॉर वन रीज़न ये मैं इसको रिटर्न कर रही हूँ. बाकी कम्फर्ट की बात करें तो कम्फर्टेबल तो मुझे लगी. आई वुड रेट कम्फर्ट लाइक 6/10. लाइक इतनी ही कम्फर्टेबल है. इफ यू आर थिंकिंग यू सो बॉल 10/10 कम्फर्टेबल है, सो नो इट्स नॉट. बाकी आई लाइक दिस. एंड ऑल्सो मैं बोली थी ना अपने इसको अपने ओरिजिनल्स पे देखा होगा. सो दिस इज़ फ्रॉम स्ट्रीट स्टाइल स्टोर, नाम तो सबने सुना ही होगा आई गेस. तो उन्हीं की है ये. आई थिंक उन्होंने ही मीशो पे डाली है और आई डोंट नो वॉट, बट ये उन्हीं की है. आई गॉट दिस फॉर 660 rupees, विच आई थिंक इज प्रिटी गुड फॉर द हील्स. बट ये डिफेक्ट से आई एम रिटर्निंग इट, बट इफ यू वॉन्ट You can get it for yourself. चलते हैं हम हमारे next foot pair पे. So these are my legit favorite jutis. I so much love them. ये जुतीज मंगवाने का रीज़न ये था कि अभी हम लोगों ने ना मिड सेगमेंट बनाया था. लाइक हमारा मिड सेगमेंट जो असाइनमेंट था उसमें हमने इंडियन वेयर बनाया था. तो इंडियन वेयर में ना मैंने जो बनाया है ना, इट इज़ क्लोज, वेरी क्लोज टू दिस कलर. मतलब क्रीम एंड वेरी गोल्डनिश एंड ब्राउनिश काइंड ऑफ शेड. तो मेरे दो गारमेंट कुछ ऐसे हैं, तो मैंने सोचा उनके नीचे जूती बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी. एंड सो आई गॉट दिस वन. और मतलब मेरे को ऐसा लगा कि दिस कलर एंड द डिज़ाइन वुड सो गो ऑन विथ वट आई हैव मेड. जब मैं आपको वो दिखाऊंगी देन यू विल गेट टू नो वट आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड ये इसकी बात करते हैं तो ये बहुत ही प्यारी है. मतलब इट्स वेरी कम्फर्टेबल. इसके अंदर डिज़ाइन है, इसके अंदर लेजेंड. ये जो ऊपर वर्क है ना, ये पूरा अंदर भी है, लेकिन ये बिल्कुल चुभता नहीं है. ये आपको फील भी नहीं होगा कि आपको ये अंदर कुछ वर्क है या कुछ भी. यू वॉन्ट इवन फील इट. और बहुत कम्फर्टेबल है. बाकी जूतीज़ की बात करें तो जूतीज़ ना पहनते पहनते लूज़ होती है. वो जब आती है ना तो वो आपको एकदम फिट होती है और वो थोड़ा सा शू बाइट भी करती है. ये जूतीज़ का नेचर ही होता है. सो इसकी तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है. बाकी और पहनते पहनते हो जाएगी लूज. आपको पता है कितने की है? इट्स जस्ट फॉर 257. नहीं मिलती मेरे को लोकल मार्केट में इतनी सस्ती तो कहीं पर, आई गेस. सो आर नेक्स्ट फुटवेयर इज़ दीज बेसिक हील्स, ब्लैक हील्स. ये काफ़ी सिमिलर है हमारी जो हमने सेकेंड नंबर पे जो शीक हील्स देखी थी, जो पार्टी वेयर हील्स देखी थी. लेकिन डिफरेंस इतना है, पहले तो हील्स और फिर यहाँ पर डायमंड्स नहीं है. ये बहुत सुंदर है एंड इसके प्राइस के हिसाब से तो यू वॉन्ट बिलीव इतने सस्ते में कुछ आ सकता है. मतलब मैं देख के ऐसे ऐसे हो गई थी, वॉट, लाइक सीरियसली इतना सस्ता भी कुछ हो सकता है? इतनी सस्ती भी कोई सैंडल या कोई हील आ सकती है? फिर मैंने इसको बुलवाया और फिर मैंने देखा था. आई वॉज लाइक, ब्रो आ सकती है, सही में आ सकती है और बहुत अच्छी आ सकती है. हील्स के बारे में बात करें तो एक हील तो ना बहुत ही बढ़िया है, बहुत कंफर्टेबल है. लेकिन जो एक हील है ना यार, ये हील ना थोड़ी, जो राइट पैर वाली हील है, हील ना थोड़ी हिल रही है. मतलब आई एम नॉट वेरी कम्फर्टेबल वाइल वॉकिंग. तो मेरे को लग रहा है या तो हील में कुछ दिक्कत है या तो ये उबड़ खाबड़ है. आई एम स्टिल नॉट एबल टू फिगर आउट कि क्या सीन है, कि क्या हो रहा है. बट इसके प्राइस वाइज तो ये बहुत अमेजिंग है. एंड इसका प्राइस इज जस्ट ₹264. 250 रुपये में आपको ये मिल रही है. आपको क्या चाहिए इससे ज़्यादा? मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको एक्सचेंज करा के दूसरी हील्स बुलवा लूँ. हो सकता है नेक्स्ट वाली में ये अच्छी आ जाए. एंड अभी बोलते बोलते ही जस्ट मैंने रियलाइज़ किया कि ये इतनी अनकम्फर्टेबल शायद इसलिए हो रही है क्योंकि एज़ यू कैन सी यहाँ पे ऐसा कुछ डेंट टाइप है. आई थिंक दिस इज़ मेकिंग इट अनकम्फर्टेबल और वॉट, आई डोंट नो. ऊपर से देखें ना तो कोई ऐसी कुशनिंग नहीं है, हार्ड है, पूरा हार्ड. लेकिन हील्स में आप ना थोड़ा हार्ड पहन सकते हो. मतलब अगर आपको थोड़ी सी देर के लिए पहनना है ना तो आप पहन सकते हो, आई गेस. एंड मतलब यू कैन ऑर्डर एंड ट्राई योर लक कि कभी अच्छी आ जाए या डिफेक्ट नहीं आए. सो यू कैन ट्राई योर लक. एंड आई थिंक आई विल गो फॉर एन एक्सचेंज फॉर दिस वन. बाकी आई लव इट. फाइनली अब हो चुके हैं हमारे सारे के सारे फुटवेयर्स ख़त्म. और अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग. एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.